ग्रामीण के कोर्ट परिसर में पेशी पर आए सन्नी नामक गैंगस्टर पर फायरिंग मामला। मामले में आया है एक नया मोड़। पेशी के दौरान सन्नी को मारने नहीं बल्कि उसे छुड़वाने आए थे गैंगस्टर। कौशल चौधरी नामक सोशल मीडिया एक्टिव सदस्य बबीहा ग्रुप गैंगस्टर ने ली पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी। कहा सन्नी को मारने नहीं बल्कि अपने ही ग्रुप के दो सदस्य उसे छुड़वाने के लिए आए थे नालागढ़ कोर्ट। पुलिस को चकमा देने के लिए की गई थी फायरिंग। बाइक को भी दोनों गैंगस्टरों ने खुद ही गिराया ताकि पुलिस का ध्यान भटके और सन्नी को लेकर होना था फरार। पोस्ट में कहा गया है कि पुलिस ने दोनों को कर लिया है गिरफ्तार लेकिन नहीं किया जा रहा है शो। अंत में कौशल चौधरी ने लिखा देवेंद्र बबीहा ग्रुप। हालांकि इस पोस्ट की कोई पुष्टि नहीं करते। सन्नी नामी शार्प शूटर पर पहले भी कई हत्या के मामले दर्ज। एसपी मोहित चावला का बयान, मामले में अभी किसी भी शख्स की नहीं हुई है गिरफ्तारी। पुलिस हर पहलू से कर रही है मामले की जांच। तीन टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर भेजी। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जुटाए तय थे। एसपी ने कहा पांच फायर नहीं हुए थे। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक मोहित चावला ने कहा मामले को सुलझाने के बाद ही की जाएगी। सर, ये जो कल नालागढ़ कोर्ट परिसर में गोलीकांड हुआ इसके बारे में अभी तक क्या पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या जांच? इसमें कुछ लीड्स पुलिस के पास हैं और जिस पे हमारी तीन स्पेशल टीम्स काम कर रही हैं। फॉरेंसिक की टीम ने कल दौरा कर लिया था घटनास्थल का और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मैंने गठन कर दिया है कल रात को ही। आई एम होपफुल जिस तरह से लीड्स हमारे पास हैं और जिस तरह से स्पेशल टीम्स काम कर रही हैं एनालाइजिंग, जल्दी इसमें कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम हैं। सर, इसमें कुछ सोशल मीडिया पे पोस्टिंग भी आई है कि पपीहा गैंग के लारेंस ग्रुप के, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जांच में क्या हमारे सामने एक घटना घटी और लीड्स हमारे पास हैं तो हम उन लीड्स पे काम कर रहे हैं। ऐसी किसी सोशल मीडिया पोस्ट और अगर ऐसी कुछ बातें चल रही हैं तो अभी हमारा जो ध्यान है कि घटनाक्रम हुई नालागढ़ कोर्ट परिसर में, उसके ऊपर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। कोर्ट परिसर की सुरक्षा और तमाम चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमारी एक SIT गठित कर दी है और सारे पहलुओं पर काम कर रही है। सर, अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी अभी दी जाएगी पूरी जानकारी। एंस्टा न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।